दोस्तों यह इंसिडेंट है साल 2017 से पहले का, जब फिल्म बाहुबली 2 की शूटिंग चल रही थी। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस फिल्म की शूटिंग लगभग 5 सालों तक चली थी। इस दौरान सुपरस्टार प्रभास और फिल्म में बल्लाल देव बने राणा दगुपति में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद ये लोग हमेशा सेट पर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक शो के दौरान राणा दगुपति प्रभास संग अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए कहा था कि एक बार मैंने प्रभास के साथ प्रैंक करने का सोचा और मैंने प्रभास को फोन करके कहा कि यार मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, प्लीज मुझे यहाँ आकर मेरी मदद कर दो। तो प्रभास ने मुझे यह कहा कि तुम पुलिस वालों से यह कह दो कि तुम बाहुबली 2 में मेरे यानी प्रभास के साथ काम कर रहे हो, वो तुम्हें खुद का खुद छोड़ देंगे। और इस तरह से राणा दगुपति का यह प्रैंक फेल हो गया।